सर, हम लोग 23 तारीख से आंदोलन में हैं। 23 तारीख से 27 तारीख तक हम लोग महापड़ाव रायपुर राजधानी में बैठे। वहां पर हमको बैठने के लिए परमिशन नहीं दिया गया, सिर्फ एक दिन 24 तारीख को दिया गया था। पर भी हम लोग अपने अपने घर में रह के आंदोलन को जारी रखे, आंगनवाड़ी केंद्र बंद करके। उसके बाद में हम लोग 28 तारीख से अपने अपने जिला मुख्यालय में बैठे हैं, और जिला मुख्यालय 28 तारीख से आज दिन तक हम लोग एक दिन भी पंडाल खाली नहीं किए हैं। और भूपेश सरकार को हम लोग जैसे बन पड़ रहा है, कभी नागपुरी गाना को भूपेश सरकार के नाम पे, कभी अपने मतलब स्थिति को रोना रो के, कभी हम लोग अपना मतलब क्या बोलूं सीरियस मैटर पे होके आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल को पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे रायपुर में बैठे हमारे मतलब क्या बोलें प्रांतीय पदाधिकारी, उन लोग कई बार कोशिश कर रहे हैं कि बीच का मसला निकल जाए, लेकिन भूपेश सरकार हमसे बात करने का मतलब विचार ही नहीं कर रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग इस रैली को छोड़ेंगे नहीं और इस आंदोलन को तोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है विपक्ष में रहते तक नेता आप लोग का बहुत फर्क करते हैं, सत्ता में आते ही भूल जाते हैं? जी 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 जी, जब उन्होंने सत्ता में नहीं थे, बीजेपी की सत्ता थी, तब उन्होंने बोला था कि मैं सत्ता में बैठूंगा, बैठने के बाद सिर्फ दो महीने ही लगेंगे और आप लोगों को हम कलेक्टर स्तर पे देंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नर्सरी शिक्षक का उन्नयन करेंगे। लेकिन आज आप लोगों की मीडिया के माध्यम से उस भूपेश सरकार को मैं बोलना चाहूंगी कि हमको 2 महीने तो क्या सर जी, उन्होंने तो पूरे 4 साल लगा दिए और हमारी मांग जहाँ का तहाँ रह गया, जहाँ का तहाँ रह गया। कुछ नेता जनप्रतिनिधि आप लोग से पंडाल में मिलने आ रहे हैं, क्या उम्मीद? जी नहीं, आज दिन तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए हमारे पंडाल में हमें समर्थन करने के लिए, और आज दिन तक किसी ने आश्वासन तक नहीं दिया। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये जो लड़ाई है ज्यादा उग्र होते जा रही है और हमारी जो उपस्थिति है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, इसलिए हमारी हौसला और बुलंद हो रही है। जब तक सरकार नहीं रुकती है तब तक हम अपनी आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। मैं रोपनी भगत, परियोजना अध्यक्ष सन्ना। हमें भी अधिकार है जीने का, मांगते हुए सम्मान चाहिए, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना हाथ लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, देखेंगे। लाल लाल लाएगा, इंकलाब लाएगा, लाल लाल।
दोस्तों देख सकते हैं आंगनबाड़ी महिलाएं अपने गाना के माध्यम से भूपेश बघेल को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और मान्य हमारे जो सीएम सर हैं भूपेश बघेल वो इनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो सो प्लीज मीडिया वालों से यही बोलूंगा और हर दर्शक वालों से यही बोलूंगा कि थोड़ी सी इन महिलाओं का भी सुने। सपना